एक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस पहले भी था जिसमें योजनाएं 30 30 40 40 साल तक पूरी नहीं होती थी। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, वहां एक सरदार सरोवर डैम नर्मदा योजना पंडित नेहरू जी ने उसका शिलान्यास किया था और अभी अभी पिछले साल वो काम पूरा हुआ। कभी कभी तो ऐसा नजर आता था बांध बन जाता था लेकिन नहरों का अता पता नहीं था, पुल बन जाते थे लेकिन कनेक्टिंग सड़कें नहीं बन पाती थी, खंभे गड़ जाते थे लेकिन उन पर कभी तार नहीं लग पाते थे और अगर तार लग भी गया तो लोग कपड़े सुखाते थे, बिजली नहीं आती थी। नई नई ट्रेनों की घोषणा हो जाती थी लेकिन न पटरियों के बारे में कोई सोचता था न ट्रेनों के बारे में सोचता था। अरे कागज पर भी पटरी को कभी पेंट नहीं किया जाता था। इस स्टाइल ऑफ मिस गवर्नेंस के साथ देश 21वीं सदी में आगे नहीं बढ़ सकता, उसको बदलना पड़ता है और बदलना अनिवार्य होता है। और ऊपर से घोटालों की लंबी लिस्ट से देश के और दुनिया भर में देश की साख को नुकसान भी पहुंचा था। इस स्थिति से हम देश को अब बाहर निकाल करके लाए हैं। आज 4 साल होने आए, कोई ये नहीं कहता है मोदी कितना ले गया। और मेरे देश के प्यारे मेरे भाइयों बहनों, आज मैं सर झुका करके नम्रता पूर्वक बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि देश ने मुझे जिस आशा और अपेक्षाओं से बिठाया है उसको मैं कभी खरोच नहीं आने दूंगा।